ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेंद्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को लाइव टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से। क्या तत्काल टिकट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमें ये भी नहीं पता है टिकट बुक हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। यदि बुक नहीं हो पाता है तो क्यों नहीं हो पाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन तत्काल टिकट बुक करने के लिए, टिकट बुक करने से पहले आप लोगों को पैसेंजर डिटेल मास्टर लिस्ट में ऐड कर लेना है। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद माई अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं तत्काल टिकट 11 बजे बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी जो है 10:46 हो रहा है। तो हम ऐड पैसेंजर लिस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें पैसेंजर डिटेल फिल करना है। तो मैं पैसेंजर डिटेल फिल कर लेता हूँ। पैसेंजर नेम फिल करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नाम फिल कर दिया हूँ। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है जो आपका आधार कार्ड में है। तो मैं यहाँ पे 1/4/1990। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। इसके बाद बर्थ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, लोअर बर्थ चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, मिडिल बर्थ चाहिए। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, तो आप लोग को भूल के भी लोअर मिडिल अपर बर्थ नहीं सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। पैसेंजर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मैं पैसेंजर डिटेल यानी कि फिल हो चुका है। तो हमें एक ही नाम बुक करना है, तो शायद एक नाम हम तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तो बुक हो जाए। तो इसे हम फिर से लॉग आउट कर लेते हैं। तो इसे हमें लॉग इन किस टाइम करना है, तो लाइव वीडियो का लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आज के वीडियो में लाइव टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम इसे यस करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं IRCTC पेज हमारे यहाँ से लॉग आउट मैंने कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10:49 हो रहा है। तो हम यहाँ पे 8 से 9 मिनट वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 10:59 कुछ सेकेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यूजर नेम पासवर्ड फिल करने के बाद फिर से हमें लॉगिन करना होगा। फटाफट सबसे पहले तो मैं पिन सेट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम कैप्चर फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 10:59 कुछ सेकेंड भी हो चुका है। तो यहाँ हमें प्लान वाइज जोनी पे क्लिक करेंगे। आनंद विहार से शाहगंज में सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद जेंडल की जगह पर हम कोटा तत्काल सेलेक्ट करते हैं। डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं 11 बज चुका है। सर्च टाइम पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है, ट्रेन सर्च ले रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आता रहता है जब हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते हैं। इसके बाद सिंपल आप देख सकते हैं कैफियात में हमें स्लीपर क्लास में बुक करना है। स्लीपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बुकिंग हो चुका है, 168 सीट का कोटा है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें पैसेंजर डिटेल फिल करना है सिंपल। इसके बाद बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउ कर देता हूँ क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है हमारा वेटिंग टिकट भी बुक हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर पिन कोड टाइप करना है। इसके बाद सिंपल हम कल क्लिक करते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी 11 बजा है और कुछ सेकेंड हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बुक टिकट प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है। यदि तत्काल टिकट बुक करेंगे 1 से 2 नाम होगा तो 40 सेकेंड प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, और 3 से 4 सेकेंड नाम होगा तो आप लोगों को 60 सेकेंड तक प्लीज़ वेट का देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 25 सेकेंड हो चुका है। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट ही आ रहा है। तभी देखते हैं कब तक ये नेक्स्ट फेज पर जाता है या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉग आउट हो जाता है। कई केस में होता है जो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉग आउट भी हो जाता है। तो देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ। प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है अभी तक। तो आप देख सकते हैं 11:01 कुछ सेकेंड हो चुका है, सेकेंड पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते अभी 156 सीट बचा हुआ है। इसके बाद मैं कैप्चर फिल कर लेता हूँ फटाफट, QFQ। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं। हमें ये नहीं पता कि टिकट बुक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस बात पे क्लिक करते हैं, पेटीएम ऑप्शन कर लो। तो आप देख सकते हैं OTP भी ऑप्शन आ चुका है। हमारे मोबाइल पे एक OTP आएंगे, OTP हमें फिल करना है। तो देखते हैं OTP कब तक आता है। तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे OTP सेंड हो चुका है, अभी तक OTP नहीं आया। 2 मिनट हो चुका है, OTP अब आया। तो देख सकते हो मैं कॉपी का इस बार मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ, लेकिन ये टिकट बुक नहीं हो पाएगा हमें भी लगता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। जब हम IRCTC रेल कनेक्ट 2 मिनट के आसपास लग जाता है और हमारा टिकट बुक नहीं हो पाया, अभी लगता है कि टिकट बुक नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, बुक हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं फाइनली इस वेटिंग आ चुका है क्योंकि हम यहाँ पे मैंने बुक टिकट ओनली कंफर्म बट अलाउ किया था।
तो यहाँ पे हमारा पेमेंट भी कट गया और टिकट बुक नहीं हुआ था। आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर भी टिकट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक क्यों नहीं हो पा रहा है, तो मेन रीजन ये है कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे टिकट बुक करेंगे तो हार्ड रूट का टिकट बुक नहीं हो पाएगा। इस IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से आप टिकट अभी बुक कर सकते हैं 2 से 2.5 मिनट तक जिस ट्रेन में टिकट बुक रहे टिकट अवेलेबल रहेगा। तो यदि हार्ड रूट का टिकट बुक करना है तो ज़्यादातर जो हार्ड रूट का टिकट बुक होता है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर से ही टिकट बुक किया जाता है, जो कि एक इनलीगल है, लेकिन फिर भी टिकट बुक करने वाले करते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।